नमस्कार। आज हमारे साथ सेवानिवृत्त आईजी महेंद्र सिंह जी चौधरी है, जिनकी जन्मभूमि बाड़मेर है और आज ये राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील के बंबू गांव में आए हुए हैं। और बंबू में आपको पता है किसान नेता और पूर्व सरपंच भवन सिंह जी जानी की मूर्ति का अनावरण कल होने वाला है, जिसका अनावरण पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया करने वाली। और ये हमारे साथ महेंद्र सिंह जी चौधरी हैं, जो वर्तमान समय में भाजपा से जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह की तैयारियाँ वसुंधरा राजे सिंधिया के आगमन को लेकर की जा रही है, क्या लगता है आपको किस किस तरह जनता में, क्षेत्र के लोगों में राजे के प्रति झुकाव और लगाव है? श्रीदेव भंवरलाल जी जानी जो न केवल समाज सेवक थे बल्कि इस क्षेत्र के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे, सरपंच रहे, सरपंच रहने के साथ साथ ही उनका सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और शैक्षिक क्षेत्र में भी, मैंने गत दो दिनों से मैं जानकारी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सहयोग जन कल्याणकारी कामों में रहा। उसी का परिणाम है कि स्वर्गीय धनलाल जी जानी के मूर्ति अनावरण समारोह में हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी पधार रही है। इस क्षेत्र की जनता न केवल भवनलाल जी जानी के उनके सामाजिक सराकोरों के कारण, उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा के कारण और उनके संबंधों के कारण अति उत्साहित है, बल्कि वसुंधरा राजे जी के इस बड़े अवसर पर आने के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही जनता में, जो मैं विभिन्न गांवों में आज भी मैंने संपर्क किया है और इस तैयारियों में जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको देख कर ये लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति में, जन जन में जबरदस्त उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयारी भंवरलाल जी जानी का परिवार, माननीय पूर्व एमपी साहब राम सिंह जी कसवां साहब और उनकी पूरी टीम, जिला प्रमुख महोदय और उनकी टीम और जन जन से, यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता जिस उत्साह से इस तैयारियों में लगा हुआ है, मुझे तो वो तैयारियाँ भी भीड़ का जो आने का जो मुझे अब संभावनाएँ लग रही है उससे छोटी पड़ती लग रही है। तो महेंद्र सिंह जी, आप क्राइम से रिटायर्ड हुए हैं और ऐसा क्या लगा आपको कि राजनीति सेवा का अवसर है कि आपने लोक नीति के माध्यम एक लोक सेवक के पद पर स्थापित होकर सेवा की, जनता की स्थान में थे आप, तो क्या लगा कि आपको राजनीति में जाकर हम जनता की सेवा कर सकते हैं, इसलिए आपने भाजपा ज्वाइन किया? देखिए साहब, मैं जो अपनी सेवा काल के दौरान भी मैंने सदैव इस बात का प्रयास किया कि आम जन तक उसको न्याय मिल सके, उसको कानूनी मदद मिल सके और अपराधों का निराकरण करके और आम जनता को अपराधों से राहत मिल सके। उसके बाद जैसे ही मेरा सेवानिवृत्ति का समय नज़दीक आया तो मुझे भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास था और उसी मानस से कि मैं इस अपना जो सेवा काल के दौरान मैंने जो काम किया उसी को मैं सेवा काल के बाद भी जनता के बीच में रहकर जारी रख पाऊंगा और आम जन तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सकूंगा। इसी उद्देश्य से मेरा जो सामाजिक सराकरों के साथ ही, तो मेरा आज भी प्रमुख क्षेत्र है वो सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र है। बाड़मेर में मैं शैक्षिक कामों में बहुत सक्रिय रूप से संलग्न हूँ और हमारी टीम वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही है। बाड़मेर प्रॉपर से हो या बाड़मेर के अन्य विधानसभा क्षेत्र से आप संबंध रखते हो? बाड़मेर जिले से 45 किलोमीटर आगे खड़ीन गांव है मेरा और मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं जो जिनका बाड़मेर के शैक्षिक विकास में, राजनीतिक क्षेत्र में, विकास में शुरू से बहुत गहरा नाता रहा है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, मेरे दादाजी आर्मी में थे और फिर मैं पुलिस में और पुलिस से अब सेवानिवृत्त हुआ हूँ, तो एक पुलिस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, जनता से गहरा सराकोर रहा है और इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए ही और शैक्षिक और सामाजिक जागृति को आगे लाने के लिए मैं ये सोचता हूँ कि राजनीति भी उसमें बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। इसी उद्देश्य से मैं राजनीतिक सराकोरों से भी जुड़ा हूँ। चौधरी जी, जैसे आपने कहा कि सामाजिक सरोकार को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें राजनीति में भाग लेना चाहिए, इस संदर्भ में आप राजनीति में आए हो, तो मैं एक आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अभी 2022 चल रहा है और कांग्रेस में जो उथल पुथल मची हुई है वो जब जाहिर है, 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुख्यतः टक्कर अभी वर्तमान समय के दलों को देखें तो होने वाली है, क्या लगता है कि 2023 का जो परिणाम होगा चुनाव का वो किस संदर्भ में होगा, किसके पक्ष में होगा और किस प्रकार की तैयारी आपकी पार्टी की चल रही है? देखिए, जनता है वो वर्तमान सरकार के कुशासन से पूरी तरह से तंग आई हुई है। कहीं जो अपराधों का जो हाल है, जो आर्थिक विकास का काम जिस तरह से रुका हुआ है और जिस तरह से लोग परेशानियों को झेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार को बदलाव करने के लिए जनता आतुर है
और वसुंधरा राजे जी जिस तरह से हमारी पार्टी को नेतृत्व दे रही है और जनता जिस तरह से उनमें विश्वास व्यक्त कर रही है, उनके कार्यक्रमों में उमड़ी पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता बदलाव चाहती है और वसुंधरा राजे जी के सशक्त नेतृत्व में बदलाव चाहती है। आपका कहने का सीधा है कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जनता भाजपा को समर्थन देना चाहती है। बिल्कुल निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, जिस सवाल से नेता लोग बचते हैं उस सवाल का सीधा जवाब रिटायर्ड आईजी महेंद्र सिंह जी चौधरी वर्तमान भाजपा नेता ने दिया कि निश्चित रूप से जनता बदलाव चाहती है और बदलाव तभी चाहती है जब भाजपा में वसुंधरा का चेहरा सामने हो और नेतृत्व उनका स्वीकार किया जाए। महेंद्र सिंह जी, एक मेरा अंतिम सवाल आपसे कि शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हो और अभी खबरों में हमने देख रहे हैं कि प्रत्येक विद्यालय के बच्चों से 5-5 रुपए झंडे के नाम से लिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर आरटी का कानून लागू होता है, जहां पर निःशुल्क शिक्षा का कानून लागू होता है और बीडी कला का जवाब हमने पढ़ा और सुना भी कि उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे में मीटिंग में चर्चा करेंगे, क्या कहना है कि शिक्षा के जैसे पवित्र क्षेत्र में ऐसा भ्रष्टाचार? देखिए, शिक्षा में और विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में आज हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में कौन बच्चा पढ़ता है। जो कोई परिवार थोड़ा बहुत समर्थ है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ भागने का प्रयास करता है। हालांकि मेरी मानसिकता इसके बिल्कुल विपरीत है। मेरे पिताजी पुलिस में DYSP थे, फिर भी उन्होंने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। आपकी शिक्षा सरकारी विद्यालय में हुई? बिल्कुल, मैं मेरी प्राथमिक शिक्षा से लगाकर मैं जालौर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र की उच्च प्राथमिक विद्यालय में मैं पहली क्लास में पढ़ा, फिर मैं दूसरी से लगाकर आठवीं तक बाड़मेर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, 9th, 10th, 11th मैंने जालौर की स्कूल से की और फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BCom मैंने बाड़मेर और जैसलमेर के कॉलेज से किया, MCom राजस्थान यूनिवर्सिटी से की। तो मैं बिल्कुल एक आम भारतीय ग्रामीण बच्चे की तरह ही मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने मेरी शिक्षा पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया कि मेरी शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी अच्छी तरह से विकास एक बच्चों में किस तरह से हो सकता है, वो हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए, उसी का परिणाम रहा कि मैं राजस्थान पुलिस सेवा में आ सका और फिर भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। अब हमारा प्रयास बाड़मेर में ये है, मैं शिक्षा में जो नकारात्मक चीज़ें हो रही है, मेरा विचार मानना ये है कि उन नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा वजन देने के बजाय हमें सकारात्मक पहलुओं को आगे लाना चाहिए। यानी मेरा प्रयास और हमारी टीम का प्रयास बाड़मेर में विशेष रूप से ये है, मैंने महसूस किया है कि गांवों में सरकारी स्कूलों में बेस्ट टीचर्स आज भी सरकारी स्कूलों में, चाहे किसी भी जगह हो, चाहे बाड़मेर की बात नहीं पूरे राजस्थान की बात है कि बेस्ट टीचर्स सरकारी स्कूलों में, तो हम उन बेस्ट टीचर्स को पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई के रूप में काम में लेवें, ये हम अभिभावकों का काम है। इसके लिए स्थानीय तौर पर अगर अभिभावक जागरूक रहेंगे और अपने लेवल पर भी हमें कुछ करना होगा। हम बाड़मेर में ये अभियान चला रहे हैं कि प्रत्येक गांव की स्कूल में जो सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल है उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा इस तरह से करियर गाइडेंस के लिए और आगे कंपटीशन की तैयारी के लिए जिन पुस्तकों की ज़रूरत है उनको हम स्थानीय जन सहयोग से कुछ धनराशि एकत्र करके एक बढ़िया लाइब्रेरी के रूप में उपलब्ध करावें। इसमें अक्रॉस दी पार्टी लाइन हमारे लोग जुड़े हुए हैं उसमें और हमारे 200 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों के टीचर्स हमसे जुड़े हुए हैं और वो हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव की लाइब्रेरी को हम अच्छी लाइब्रेरी में कन्वर्ट करें, इसका हमें सीधा परिणाम भी हासिल हो सकता है। इसके अलावा हम ऐसे संगठन भी चला रहे हैं जो बिल्कुल गांव के गरीब बच्चों को 50 Villages के नाम से हम एक संस्थान चला रहे हैं, उसमें हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको हम 25 गरीब बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन 25 बच्चों को बाड़मेर में हॉस्टल में रखकर और उनको हमारे यंग डॉक्टर्स पढ़ाते हैं, सरकारी टीचर्स पढ़ाते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं, उनका सारा खर्चा हमारा संगठन वहन करता है और आज 7-8 साल हो गए संगठन को चले हुए और आज स्थिति ये है कि हमारे पिछले वर्ष तक 65 बच्चे देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में MBBS कर रहे हैं और इस बार भी 12 लड़के सेलेक्ट हुए। निश्चित तौर पे शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा और निश्चित रूप से अंबेडकर जी के इस कथन पे जो काम कर रहे हैं महेंद्र सिंह जी चौधरी और हाउस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट हमारा चैनल FM 10 अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब शेयर करें। थैंक यू।